यदि आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती। हाय फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में मैं लेकर आया हूं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र से संबंधित भाग 4। और आज के इस सत्र में हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 177 से लेकर 200 तक। ये सभी प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से संबंधित हैं। यदि आप शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसलिए आप धैर्य और लगन के साथ इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। चलो प्रारंभ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को। उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2016 के इस प्रश्न पत्र से संबंधित 3 वीडियोज हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने कुल 125 क्वेश्चन हल किए हैं। आप उन वीडियोज को देख सकते हैं जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है। आज के इस सत्र में हम कुल 24 प्रश्न हल करेंगे। आप सत्र को धैर्य के साथ देखने की कोशिश कीजिए। तो इसमें प्रश्न संख्या 177 है, कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यहाँ पर छात्रों के 4 गुण दिए गए हैं, तो इनमें से आप किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विश्वसनीयता, आज्ञाकारिता या परिश्रम? तो सभी गुण छात्रों से संबंधित हैं, तो इनमें से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना। जो छात्र या छात्रा स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हैं उन्हें आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे, यानी बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से सोचना, विचार करना एक अच्छे विद्यार्थी का गुण होता है। अगला प्रश्न इसमें था, विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, यानी स्कूल में आप बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे या क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, बच्चों के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए स्कूल में क्या किया जाना चाहिए, इनमें से आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़ के जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, यानी जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो हो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके अनुकूल होना चाहिए, तभी बच्चे उसमें अनुकूलन करेंगे और वह अच्छे से सीख पाएंगे। यदि वातावरण उनके प्रतिकूल होगा तो उन्हें सीखने में दिक्कत आएगी। अगला प्रश्न इसमें था, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार के गृह कार्य की संस्तुति करेंगे? एज ए टीचर आप स्टूडेंट्स को किस प्रकार का होमवर्क रिकमेंड करेंगे या संस्तुति करेंगे? कठिन एवं समय व्यतीत करने में सहायक क्या आप ऐसा गृह कार्य देंगे? किताबी व अरोचक ऐसा तो हो नहीं सकता। मनोरंजनात्मक, सरल एवं उपयोगी या विस्तृत, उत्तेजक एवं स्वयं सीखने में सहायक? तो कठिन एवं समय व्यतीत करने में सहायक ये तो हो नहीं सकता, किताबी और अरोचक तो आप दे नहीं सकते। इस प्रकार ये 2 ऑप्शन कट गए। आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। अब सी और डी में से एक विकल्प सही होगा। वीडियो पॉज करके जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका होमवर्क बच्चों के लिए मनोरंजनात्मक होना चाहिए, यानी बच्चों का उससे एंटरटेनमेंट होना चाहिए, होमवर्क सरल होना चाहिए और उनके लिए उपयोगी होना चाहिए, खासकर से व्यवहारिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए, जिससे आप ऑप्शन को काट कर सही विकल्प पर आने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए उससे संबंधित मैंने वीडियोज बनाई है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है।
अगला प्रश्न इसमें था, शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? यानी टीचर को टीचिंग से पहले अपने विद्यार्थियों का लेवल यानी उनका स्तर अवश्य जानना चाहिए कि बच्चों का लेवल कैसा है, उनका ज्ञान कैसा है, पूर्व ज्ञान उनका कैसा है, तब उसके अकॉर्डिंग टीचिंग करनी चाहिए। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्णतया, सामान्यतया, आंशिक या बिल्कुल नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर आपके अनुसार क्या हो सकता है? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतया सहमत हैं। तो एक शिक्षक को अपने टीचिंग से पहले विद्यार्थियों का स्तर जानना चाहिए, इसके लिए आप जिग जैग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके पूर्व ज्ञान को जांच सकते हैं और उसके बाद आप उन्हें कंटेंट पढ़ाएंगे, उनके लेवल को जानने के बाद कि बच्चों का स्तर कितना है। अगला प्रश्न था इसमें, बच्चों में मनोवैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है, यानी स्टूडेंट्स में साइंटिफिक इंटरेस्ट या थिंकिंग डेवलप करने के लिए, जनरेट करने के लिए क्या आवश्यक है? वैज्ञानिक सोच आप बच्चों में कैसे विकसित करेंगे? बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं, बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करके या उपरोक्त सभी। तो मुझे लगता है आप प्रश्न के उत्तर के करीब पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी इन तीन विकल्पों के माध्यम से आप बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित कर सकते हैं। बच्चों के सामने आप छोटी छोटी समस्याएं रख सकते हैं, बच्चे इन्हें हल करेंगे तो उनमें रिसर्च करने की भावना आएगी, शोध करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित हो सकती है। इसके अतिरिक्त बच्चों के द्वारा जो छोटे छोटे संभावित समाधान किए गए हैं उनका आप परीक्षण करेंगे, यानी बच्चों के द्वारा किए गए प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कार्य हैं उनको आप ऑब्जर्व करके भी बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित कर सकते हैं। बच्चों को संभावित समाधानों हेतु आप मोटिवेट करेंगे यानी प्रेरित करेंगे। तो कैसे किसी का समाधान निकाला जा सकता है, इसके लिए आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, इससे बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित हो पाएगी। अगला प्रश्न इसमें था, शिक्षण का आधार होना चाहिए, यानी बेस्ड ऑफ टीचिंग, शिक्षण का आधार क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम यानी करिकुलम, बालक यानी स्टूडेंट, परीक्षा अर्थात एग्जाम या अध्यापक की रुचि। तो शिक्षण का आधार क्या होना चाहिए आपके अनुसार? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालक। यानी बच्चा जो है शिक्षण का आधार होना चाहिए। और वर्तमान में शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा है वर्तमान में, खासकर जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आई या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित किया गया है, बच्चों को सेंटर में रखकर शिक्षण किया जाता रहा है। पहले शिक्षण शिक्षक केंद्रित था, लेकिन वर्तमान में शिक्षण चाइल्ड सेंटर्ड है, अर्थात वर्तमान में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, खासकर जो NCF 2005 था और RTE एक्ट 2009 है। अगला प्रश्न इसमें है, दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा, यानी जो बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, दिव्यांग हैं, उनमें किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी है, तो शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा, प्रेम व स्नेहपूर्ण, खींचपूर्ण, क्रोधपूर्ण या उदासीनतापूर्ण। तो ये प्रश्न तो काफ़ी सरल है, मुझे लगता प्रश्न समझ गए होंगे, सही उत्तर होगा प्रेम व स्नेहपूर्ण, ये नीचे के तीन ऑप्शन नहीं हो सकते। तो दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का व्यवहार प्रेम व स्नेहपूर्ण होना चाहिए, और जो अन्य बच्चे हैं सामान्य बच्चों के साथ भी शिक्षक का व्यवहार प्रेम व स्नेहपूर्ण ही होना चाहिए। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, यानी एक अच्छी टेक्स्ट बुक कंपलसरी होनी चाहिए, आकर्षक रूप से सजी हुई, क्या उसमें सजावट अच्छी होनी चाहिए, चित्रों से भरी हुई, रोचक उदाहरणों से भरी हुई या त्रुटियों से रहित। देखा जाए तो सभी ऑप्शन आपको अच्छे लग रहे होंगे, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो
त्रुटियों से रहित होनी चाहिए एक अच्छी टेक्स्ट बुक, उसमें त्रुटियां यानी गलतियां नहीं होनी चाहिए। बाकी अत्यधिक आकर्षक भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा चित्र होंगे तो ये भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। रोचक उदाहरणों से भरी हुई अत्यधिक उदाहरण भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उदाहरण होने चाहिए लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो अनिवार्य है वह पुस्तक, वह टेक्स्ट बुक त्रुटियों से रहित होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, तथ्य गलत नहीं होने चाहिए, यानी शुद्ध होनी चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या कोई फैक्चुअल मिस्टेक हो। अगला प्रश्न इसमें था, जो छात्र पढ़ने में कमज़ोर हों उनके प्रति आपका दृष्टिकोण होगा, यानी जो छात्र छात्राएं पढ़ने में कमज़ोर हैं उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा, आपका जो सोचने समझने की जो क्षमता है उनके प्रति क्या होगी, उपेक्षित, कठोर, दया का या सहानुभूति व सहायता का। मुझे लगता है प्रश्न के उत्तर को आप कर पा रहे होंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सहानुभूति यानी सिंपैथी आप उनके प्रति रखेंगे और हेल्पफुल नेचर होगा आपका उनके प्रति, तो सहानुभूति व सहायता का व्यवहार या दृष्टिकोण होगा आपका छात्रों के पढ़ने में जो छात्र कमज़ोर हैं उनके प्रति, तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इससे आप परीक्षा के पैटर्न को समझ पाएंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को सही करने में सक्षम हो पाएंगे, इसलिए आराम से देखिए। यहाँ पर पूछा गया था, कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद चाहता है तो आप क्या करेंगे, यानी कोई विद्यार्थी है जैसे खासकर बच्चा 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट का चयन करना चाहता है कि आर्ट्स लेना है या साइंस में PCM या PCB लेना है या कॉमर्स लेना है, उसी प्रकार 12th पास करने के बाद उसे क्या लेना है, कौन से सब्जेक्ट चूज करना है, तो भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे हेल्प कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो आप क्या करेंगे। विद्यार्थी को बताएंगे कि यह आपका काम नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा, उसे व्यावसायिक सलाह एजेंसी से सलाह लेने को कहेंगे, क्या ये हो सकता है, उससे इस संबंध में अपने माता पिता से बात करने को कहेंगे, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। विद्यार्थी के लक्ष्य को चिन्हांकित करने का प्रयत्न करेंगे तथा उसे कुछ विकल्पों से परिचित करवाएंगे, तो डी विकल्प सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप पहले विद्यार्थी के लक्ष्य को यानी उसका टारगेट क्या है, उसका गोल क्या है लाइफ का, उसे चिन्हांकित करने का प्रयत्न करेंगे, यानी उसके ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है उसे आप पहचानने की कोशिश करेंगे और उसके अनुसार उसे कुछ विकल्पों से परिचित करवाएंगे कि आपके लिए ये ऑप्शन हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें है, एक कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे। कोई बच्चा जीनियस है यानी प्रतिभाशाली है, कुशाग्र बुद्धि का है और वह कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है, इनडिसिप्लिन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसकी समस्या को समझना चाहेंगे कि किस वजह से वह अनुशासनहीन हो रहा है, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे यानी उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे ये तो हो नहीं सकता, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, तो सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी समस्या को समझना चाहेंगे कि क्यों यह बच्चा अनुशासनहीन हो रहा है, जबकि वह एक तरफ कुशाग्र बुद्धि का है, प्रतिभाशाली बच्चा है, लेकिन दूसरी तरफ अनुशासनहीन हो रहा है, तो आप उसकी समस्या को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप उसका निराकरण करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें था, गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है क्योंकि जो आप होमवर्क देते हो उसको पर डे चेक करना आवश्यक है क्योंकि यह शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य है, क्या सत्य हो सकता है, इससे छात्र समय पर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि प्रत्येक दिन टीचर कॉपी चेक करेगा इसलिए छात्र इसे करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियों एवं त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित हो जाता है, क्या ये सत्य है, इससे शिक्षक के लिए अधिक जांच कार्य एकत्र नहीं हो पाता,
क्या ये सत्य है? देखा जाए तो ये सभी विकल्प सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये हमें यहाँ पर ढूंढना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इससे छात्रों में तात्कालिक जो अशुद्धियाँ होती हैं एवं त्रुटियाँ होती हैं उनको दूर करने का गुण आप विकसित कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, बच्चों की कॉपी जब रेगुलर चेक करेंगे उससे उनकी जो त्रुटियाँ हैं उनको चिन्हित करेंगे और उन त्रुटियों को सुधारने के लिए बोलेंगे। तो इससे बच्चों में तात्कालिक अशुद्धियों एवं त्रुटियों को दूर करने का गुण आप विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यह है, जिसमें कक्षा शिक्षण यानी क्लास टीचिंग की उत्तम प्रणाली यह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े यानी क्वेश्चन आंसर की जरूरत ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से समस्या समाधान करे या अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो एक उत्तम क्लास टीचिंग प्रणाली कौन सी है इनमें से, बेस्ट टीचिंग कौन सी है कक्षा में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक वो छात्र दोनों प्रश्न पूछें। अध्यापक बच्चों से पूछें, बच्चे अध्यापक से पूछें, यानी दोनों आपस में वार्तालाप करें, एक्टिव रहें दोनों तरफ से, टीचर भी एक्टिव रहें बच्चे भी एक्टिव रहें और इंटरेक्ट करें दोनों आपस में, दोनों वार्तालाप करें। तो इससे आप कक्षा शिक्षण को बेस्ट बना सकते हैं और यही उत्तम प्रणाली होगी कक्षा शिक्षण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाकी छात्र अध्यापक से समस्या समाधान करें ये भी हो सकता है, लेकिन डी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पर होगा सामूहिक खेल कूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है, यानी जब बच्चे कलेक्टिव स्पोर्ट करते हैं, सामूहिक खेल कूद करते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, तो इससे बच्चों को क्या लाभ मिलता है? अन्य बच्चों के सापेक्ष अपनी योग्यता का आकलन कर लेते हैं, ये भी हो सकता है कि जब बच्चे सामूहिक रूप से खेलेंगे तो अन्य बच्चों के सापेक्ष वे अपनी एबिलिटी योग्यता का आकलन कर लेते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीखते हैं कि समाज की आवश्यकताएँ क्या है उसके अनुकूल वे अपने आप को ढालते हैं, अनुकूलन करते हैं, समायोजन करते हैं, शारीरिक व्यायाम हो जाता है, मांसपेशीय विकास हो जाता है। देखा जाए तो ये सभी सही हैं स्पोर्ट्स के हिसाब से, लेकिन हमें सबसे बेस्ट जो लाभ मिलेगा सामूहिक खेल कूद से बच्चों को वो यहाँ पर ढूंढना है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, इससे सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीखते हैं बच्चे सामूहिक खेल कूद के माध्यम से। तो सामूहिक यानी ग्रुप में, किसी समूह में, किसी टीम में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को कैसे ढालना है, कैसे समायोजित करना है, कैसे अपना अनुकूलन करना है, कैसे नेतृत्व करना है, यह करना बच्चे सीख जाते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न इसमें था, देख लीजिए, अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि, एक टीचर को टीचिंग पॉइंट बनाने चाहिए कि किन बिंदु पर आप शिक्षण करेंगे क्योंकि, इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि क्या पढ़ाना है, इससे समय की बचत होती है, इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है या इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। देखा जाए तो आपको सभी विकल्प अच्छे लग रहे होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जब आप शिक्षण बिंदु बनाओगे, खासकर आपने लेसन प्लान देखा होगा, पाठ योजना, तो शिक्षक जब लेसन प्लान बनाता है, पाठ योजना बनाता है अपनी शैक्षिक दैनंदिनी में यानी टीचर्स डायरी में, तो उससे फायदा क्या होता है कि शिक्षण कार्य को आप इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। बाकी ऑप्शन भी सही हैं लेकिन इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बना सकता है, यह ऑप्शन सबसे बेस्ट आंसर इसका दे रहा है, तो ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। अगला प्रश्न इसमें था,
कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं, यानी आप क्लास में छात्रों का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकते हैं, उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, बोर्ड की तरफ, पढ़ाई की तरफ, किसी क्लासरूम में। छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे या भाषण ठीक प्रकार से देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, यानी बच्चों में सीखने के लिए उत्साह पैदा करेंगे, उनमें जिज्ञासा पैदा करेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे, जिससे बच्चे कक्षा में ध्यान दे पाएंगे और आकर्षित हो पाएंगे सीखने के लिए। अगला प्रश्न इसमें था, सीखने की सर्वोत्तम विधि है, यानी लर्निंग की सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है। इनमें से वार्तालाप विधि, जिसे कन्वर्सेशन मेथड कहते हैं, बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं, प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यह विधि विज्ञान में प्रयुक्त की जाती है, प्रदर्शनी जब लगाई जाती है, करके सीखने की विधि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद करते हैं, खुद सीखते हैं, या भाषण विधि यानी लेक्चर मेथड आप कह सकते हैं, स्पीच मेथड कह सकते हैं। तो इनमें से सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना सबसे अच्छा होता है, इसमें बच्चा खुद करता है और खुद सीखता है। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा, जॉन डीवी का नाम आपने सुना होगा। तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की जो विधि है वो सर्वोत्तम विधि है। बाकी कन्वर्सेशन से भी बच्चे सीखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन से भी सीखते हैं, ये तो विज्ञान की विधि है, भूगोल में भी आप इसे कर सकते हैं और विज्ञान के विषय में कर सकते हैं, भाषण से भी सीख सकते हैं बच्चे, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है करके सीखना। और शिक्षण की विधियाँ, सीखने की विधियों से संबंधित हमने वीडियोज़ बनाई है, जिसमें हमने लगभग 45 मेथड को बताया है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें था, यदि छात्र शिक्षण में रुचि न ले रहे हों तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। यदि बच्चे टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हों तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसे कक्षा से चले जाना चाहिए, ऐसा तो कदापि नहीं करना चाहिए, उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए, यानी टीचिंग मेथड में परिवर्तन करना चाहिए टीचर को, जो उसे विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए, ऐसा भी करना अच्छा नहीं होगा, उसे प्रधानाध्यापक से शिकायत करनी चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का। तो यदि बच्चे शिक्षण में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो टीचर को अपने टीचिंग मेथड में परिवर्तन करना चाहिए, यानी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से आप बच्चों में सीखने के लिए उत्साह पैदा कर सकते हैं, इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें था, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए यानी मोटिवेशन देने के लिए, प्रेरित करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, उत्तम उपाय कौन सा है। नवाचारों का प्रयोग यानी इनोवेशन का प्रयोग आप करोगे, अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना या उपरोक्त सभी। तो छात्रों को प्रेरित करने हेतु उत्तम उपाय इनमें से कौन सा होगा, प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवाचारों का प्रयोग, यानी टीचर नवाचारों का प्रयोग करेगा बच्चों में प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए। नवाचारों में जैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, नए नए सहायक सामग्री का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे बच्चों में सीखने के लिए उत्साह पैदा हो। अगला प्रश्न इसमें है, यदि छात्र एक विषय में कमजोर है तो आप उससे क्या करेंगे। कोई छात्र है जो एक विषय में कमजोर है तो आप क्या करेंगे, ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे, उसे परीक्षा के समय सहायता करेंगे, उसे पढ़ने के लिए सरल पुस्तकें देंगे या उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उसे आप पर्सनल रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे, यानी आप उसे उपचारात्मक शिक्षण करवा सकते हैं, जिसे हम रिमेडियल क्लास कहते हैं। तो आप व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर उसे पढ़ाएंगे, जिससे वह बच्चा उस विषय में अच्छा कर सके। अगला प्रश्न इसमें है,
प्रश्न संख्या 197 यहाँ पर पूछा गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट का संबंध निम्न में से किसी से है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम का संबंध किसी से है, इनमें से प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन, फ्रॉड शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो राइट टू एजुकेशन का संबंध इनमें से किसी से है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो हो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का ऑप्शन देता है। और 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ तक बच्चे फेल भी नहीं होते। इसके अंतर्गत उन्हें MDM में खाना भी मिलता है। और अनुच्छेद 21 जो को है फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A उसमें शिक्षा का अधिकार भी देता है यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे हम RTE एक्ट 2009 कहते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 198 की तरफ जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूछा गया है नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि है, नेत्रहीन यानी जो देख नहीं सकते, दृश्यहीन या नेत्रहीन आप कह सकते हैं, ब्रेल लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी की सामान्य लिपि या ब्राह्मी लिपि। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रेल लिपि से सीखते हैं नेत्रहीन बच्चे। लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का विकास किया था, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें था अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं जो, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट उस टीचर की कक्षा में खुश रहते हैं जो स्कूल में शिक्षकों का नेता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, अनुशासन के मामले में सख्त हो, उनकी समस्याएं हल करता हो या खेल कूद का प्रभारी हो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं जो शिक्षक उन बच्चों की समस्याओं को हल करता हो, बच्चों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करता हो, उसमें उनकी सहायता करता हो, ऐसे शिक्षक को बच्चे अधिक पसंद करते हैं, उसकी कक्षा में बच्चे खुश रहते हैं। आज का आखिरी प्रश्न ये है प्रश्न संख्या 200। तो इस प्रश्न पत्र में केवल 200 प्रश्न ही थे। ये आखिरी प्रश्न है, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व, यानी एक नया अध्यापक है, न्यू टीचर है, उसके लिए आवश्यक है कि क्लास स्टार्ट करने से पूर्व कक्षा में अनुशासन लागू करे, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करे, विद्यार्थियों को चुटकुले सुनाए या विद्यार्थियों को अपनी योग्यता बताए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की आप कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करेंगे आप, यानी उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, वाद संवाद प्रतिवाद आपने सुना होगा, तो विद्यार्थियों के साथ आप वार्तालाप करेंगे, उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। तो एक नए अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व वह विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें। तो ये 24 प्रश्न थे, टीचिंग से संबंधित थे, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हैं। इससे पहले हमने शिक्षण अभिरुचि से संबंधित इस प्रश्न पत्र के 26 प्रश्न हल किए हैं, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। मुझे लगता है ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे, इससे आप प्रश्नों के पैटर्न को समझने में सक्षम हो पाएंगे। यदि आप शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह सत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर हम LT लेक्चरर, PRT, TT, CTT, नेट से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समय समय पर लाते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और Your Selection Sure YouTube चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड लक, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो।